दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे दी ऑल न्यू किया कैरेंस के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि किया इज गियर्ड अप टू लॉन्च दी ऑल न्यू कैरेंस ऑन फरवरी 15, 2022 दिस ईयर। और ये जो एमपीवी की प्री बुकिंग है ये ऑलरेडी चालू हो चुकी है इस गाड़ी के लॉन्च से पहले ही। और ये कंपनी जब ये गाड़ी लॉन्च करेगी तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो किया कैरेंस है इट विल कैरी अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ ₹14 लाख एक शोरूम। अब जो किया कैरेंस है वो 5 वेरिएंट में आपको अवेलेबल मिलेगी एंड इसके साथ आपको 8 एक्सटीरियर कलर का भी ऑप्शन मिलेगा। एंड कस्टमर जो है वो चूज कर सकते हैं बिटवीन अ 6 सीटर एंड अ 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपको 6 सीट भी मिल सकते हैं इसके साथ, 7 सीट भी मिल सकते हैं। एंड अगर आपको जो बीच वाली सीट है वो आपको कैप्टन सीट यानी इंडिविजुअल चाहिए वो भी मिलेगा, या तो फिर एक सिंगल बेंच सीट का ऑप्शन भी मिलता है। लेकिन जो 6 सीट वाला वेरियंट है वो सिर्फ टॉप स्पेक लग्जरी प्लस ट्रिम में अवेलेबल है, यानी कि टॉप स्पेक से नीचे आपको जितने भी वेरिएंट्स हैं उनमें आपको 7 सीट का ऑप्शन मिलेगा, टॉप स्पेक में आपको सिर्फ 6 सीटर का ही ऑप्शन मिलता है। अब बात करेंगे हम लोग किया कैरेंस की, तो ये बहुत ही एक स्टाइलिश लुकिंग एंड वेरी अप मार्केट एमपीवी है जिसको सामने की तरफ मिलता है स्प्लिट हेडलैम्प एंड वाई शेप डीआरएल जो कि गाड़ी को सामने से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। उसके साथ ही साथ साइड में आप आएंगे तो इसको मिलता है डायमंड कट अलॉय व्हील्स और काफी सारे क्रोम के एलिमेंट्स जो कि मस्ट एसेंशियल ब्लिंग लाता है इस गाड़ी में। एंड ये सब चीजें देख के जो हमारी इंडियन ऑडियंस है वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती है। जैसे कि किया की और गाड़ियां भी है मार्केट में तो वो सारी गाड़ियां जो है फीचर लोडेड है, तो किया कैरेंस भी कम नहीं है इस मामले में। ऑब्वियसली ये गाड़ी भी फीचर लोडेड और इसको कुछ फीचर्स जो इसके मेजर फीचर्स हैं दैट इज द कियाज यूवीओ कनेक्टेड कार टेक। उसके अलावा इसको मिलता है 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट जिसमें है एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो। उसके साथ इसको मिलता है इलेक्ट्रिक सनरूफ, काफी सारी एम्बिएंट लाइट की सेटिंग्स और ऐसे कई सारे फीचर्स जिसको देख के कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। और उसी के साथ कैरेज में आपको 6 USB Type-C पोर्ट भी मिलते हैं ताकि सारे ऑक्यूपेंट्स जो है एक साथ अपने डिजिटल डिवाइसेस चार्ज कर सकें जब आप कहीं रोड ट्रिप पे जा रहे हो। अब बात करेंगे इस एमपीवी के पावर ट्रेन के बारे में, तो जो कैरेंस है वो पावर होती है वो सेम इंजन से जो पावर करता है किया सेल्टॉस को। तो इसका मतलब है जो अपकमिंग 7 सीटर एमपीवी है उसको वो ट्राइड एंड टेस्टेड 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि प्रोड्यूस करता है 113 BHP ऑफ पावर। और उसके अलावा इसको मिलता है एक 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 114 BHP का पावर। एंड थर्ड इंजन जो है दैट इज द मच पंचियर 1.4 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करेगा 138 BHP ऑफ पावर। अब ट्रांसमिशन की बात करें तो किया कैरेंस के साथ कई सारे ट्रांसमिशन ऑप्शन आपको मिलेंगे जैसे कि एक 6-speed मैनुअल, 6-speed ऑटोमेटिक, 6-speed IMT और एक 7-speed DCT। तो किया कैरेंस एमपीवी को आप इन सारे गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ ऑप्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो 7-speed DCT होगा वो सिर्फ टॉप एंड वेरियंट के साथ ही मिलेगा। तो ये जो सेगमेंट है गाड़ियों का ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है अभी इंडियन मार्केट में एंड कस्टमर्स जो हैं वो काफ़ी उनके एक्सपेक्टेशंस हैं गाड़ियों से स्पेस को लेकर, फीचर्स को लेकर, सेफ्टी को लेकर और एक पावरफुल इंजन को लेकर। और किया कैरेंस जो है ये सारी चीज़ें जो है ऑफर कर रहा है कस्टमर को। तो किया मोटर्स हैज़ रोल्ड आउट इट्स फर्स्ट बैच ऑफ द कैरेंस फ्रॉम इट्स अनंतपुर फैसिलिटी इन आंध्र प्रदेश। और ये जो साउथ कोरियन ब्रांड है ये कैरेंस को लेके इसके काफ़ी सारे हाई एक्सपेक्टेशंस हैं इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट से। अब किया ने ये भी बोला है कि वो अपने प्लांट का जो है वो आउटपुट बढ़ाना चाहता है, तो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी किया क्या कर रहा है कि अब वो गियर अप हो रहा है 3 शिफ्ट्स करने के लिए उनके अनंतपुर फैसिलिटी में। और दे आर ट्राइंग टू रीच अ मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 3 लाख यूनिट्स पर ईयर। तो 3 लाख यूनिट पर ईयर का टारगेट रख के किया चल रहा है और ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसे ऑटोमोटिव कंटेंट देखने के लिए हिंदी ड्राइव स्पार्क को देखते रहिएगा।